हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको सिखाऊंगा BS4 इंजन में हेड में से ऑयल निकलता है, ऑयल निकल रहा है उसको कैसे फिक्स करना है और ढेर सारे BS4 के सीक्रेट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखें। चलो इसको खोलते हैं। एक 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 चीज खोल के जितना हो सके उतना मैं आपको दिखाऊंगा। ये है ब्रेथर वाल्व और 2, 3, 4 सब में सेम ही रहता है, डिजाइन का फर्क है। इसमें नोजल पंप भी थोड़े अलग हैं। ये साइलेशन निकाल लिया आपने, बहुत गर्म है। देखो ये कितना ऑयल निकल रहा है। ये पूछ रबर में से ऑयल आ रहा है, इसका पूछ रबर है ख़राब हो चुका है। ये सब टर्बो टर्बो बोलते हैं मगर ये टर्बो नहीं है। निकल दिया इसको। पहले क्या हुआ था मालूम है? ये इंजन जब आया शुरुआत में तब इधर इसके पैकिंग नहीं मिल रहे थे, तो क्या करते थे, सिलिकॉन लगा के इसे फिटिंग कर देते। अभी तो सब अवेलेबल है, BS4 का मिल जाता है सब। इसका सब पार्ट्स अवेलेबल है हमारे इधर गुजरात में, तो मिलता ही है। देखो ये सिलिकॉन में चिपका हुआ है ना, मथार के निकालना पड़ रहा है। इसके दो बोल्ट इधर आते हैं ना, बहुत डिफिकल्ट है इसको खोलना। इसके लिए रेचर है ना तो सही रहेगा, रेचर से जल्दी से खुल जाता है। ये दो बोल्ट है ना, बहुत प्रॉब्लम करता है इतनी छोटी जगह में, है ना, निकालना बहुत मुश्किल है इसको। ये निकल गया। ये टेपिट किट है, ये पुश रोड। अभी हेड निकल जाएगा। देखो ये निकल लिया हमने हेड, और पुश रबर अभी दिखाता हूँ, एकदम से कड़क हो गया। ये अच्छा है कंडीशन इसका हेड का, उसमें थोड़ा सा कट है मगर वो बोल रहा है ऑयल नहीं खा रहा है, तो भी वो तो चलेगा। हम लोगों को ये ऑयल लीकेज है ना उसको ही फिक्स करना है, उसको बंद करना है। देखो ये पुश रबर पूरी तरह से ख़राब हो गया है, देखो टूट जाता है। अब इसको अच्छी तरह से हम लोग सफाई कर लेंगे। सफाई में ये है ना, सफाई अच्छे से करोगे ना तो आपका काम भी बढ़िया होगा और ग्राहक भी खींच से चले आएंगे। इसमें सफाई है ना वही मेन चीज है। देखो हेड को पूरी तरह केरोसिन में डाल के कार्बन पेपर लेके मैं पूरा खींच के सफाई करूँगा। इसको अच्छे से सफाई करेंगे तो इसकी फेस में कांच का अगर लगा देंगे ना तो क्या है, ऑयल निकलने का या लीक होने का चांस ही नहीं रहेगा। मैं ये इसी तरीके से काम करता हूँ और कोई शॉर्टकट नहीं अपनाता हूँ, पूरा टाइम ले लेता हूँ ग्राहक से। अ
अच्छे से इसको कांच का अगर 150 नंबर कांच का अगर है उसका ही यूज़ करो। इसमें वाल बाल सब है ना वो BS3 का ही चलता है, कुछ अलग नहीं डिज़ाइन फेयर है। बस देखो ये एकदम से सफाई कर दिया है अच्छे से। तो मेरे को ये सफाई करने के लिए 1 लीटर के आसपास केरोसिन लगता है। देखो ये ग्रू में अच्छे से काच का के लगा के साफ कर लो। और ये पिस्टन को भी मैंने कार्बन पेपर लगा के सफाई किया है। सब धूल मिट्टी निकल जाएगा और हमारे काम करने की जगह एकदम क्लीन हो जाएगी। जितना भी आप क्लीन से काम करोगे ना आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा उसका। और परफेक्ट रिजल्ट दोगे आप ग्राहक को तो ग्राहक आपके पास ही आएगा। और मेरा यही तरीका है इसी तरीके से। हाँ ये गैसकेट मैंने ना इसमें 0.5 mm की डाली है। इसका स्टैंडर्ड सेटिंग है 0.4 mm, मगर इसमें ना थोड़ा प्रॉब्लम है इसका ब्लॉक पिस्टन का। इसका पिस्टन है ना थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए मैंने ये सेटिंग चेंज कर दी है, थोड़ा रिटायर कर दिया है। इसका TDS लेवल थोड़ा रिटायर करके रखा है। और उसके लिए उसके सेटिंग के लिए ना मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, उसके लिए एक वीडियो अलग से बनाएंगे। गैसकेट लेवल कैसे करना है इसका। इसका पिस्टन ज़्यादातर अंदर रहता है ब्लॉक के अंदर, फेस लेवल नहीं आता है, इसलिए इसमें 4 mm का 0.4 mm का डालोगे ना चलेगा, मगर इसमें हम लोगों ने 5 mm का डाला, 0.5 mm का। तो उससे क्या है थोड़ा इसमें जो थ्रोट है ना वो कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा चलेगा, ये पिस्टन टूटने का चांस कम हो जाता है इससे। और ज़्यादातर BS4 में है ना पिस्टन ही टूटते हैं, पिस्टन का एक ग्रूव है ना गजर पिन वाला उसमें से टूट जाता है। मेरा तो कई बार ऐसा आया है। देखो ये फिटिंग कर देते हैं अब इसको, ये इसका सीक्रेट ही है। देखो ये अच्छे से बिठा दो, आराम से बैठ जाएगा। चलो अब हम क्या करेंगे, देखो अच्छे से बैठ गया, फिटिंग हो गया है ये। इसको ये भी चेक करो इसका जो पूछ फुंगरी है ना उसको भी, अगर कोई छोटा सा उसमें तिराड़ है तो उसको चेंज कर दो। BS3 का चलेगा, वो सेम आता है BS3 और 4 का फुंगरी। अभी क्या करेंगे, सेकेंड फ्लावर का ग्रू दिख रहा है ना उसमें पुश रोड को डाल देंगे। पुश रोड को किससे रखना है देखो, हाँ देखो ये जो अंदर वाला है ना वो एटलनर सट जाएगा, बाहर वाला साइलेशन साइड रहेगा। देखो घुमा के दिख रहा हूँ, हाँ ऐसे ये है वो, और ये साइलेशन एटलनर सट। और क्या करना है इसके स्टड मेन स्टड के फेस है ना उसमें थोड़ा सिलिकॉन लगा दो, यहाँ पे थोड़ा सिलिकॉन लगा दो ताकि वो उधर से निकलने का कोई चांस ना रहे। और अच्छे से फुल बढ़िया बोल्ट टाइट कर दो। हम लोग टोंक रेंच का यूज़ नहीं करता हूँ मैं, इससे बॉक्स स्पिनर से ही टाइट करता हूँ। एकदम से टाइट कर लो, बस हो गया बढ़िया से। और सफाई इतना बढ़िया कर दो कि किसी को मालूम ही ना पड़े हम लोगों ने फिटिंग किया, ऐसा कंपनी का ही लगना चाहिए। और ऐसे आप काम करके दोगे ना घर खींचा चला आएगा आपके पास। और ज़्यादातर है ना ओरिजिनल चीज़ ही आप डाला करो, ग्राहक को महंगा पड़ेगा एक बार मगर काम अच्छे से और बढ़िया हो गए। देखो ये कैसे सफाई करके एकदम बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा, अगर पानी केरोसिन डाल के फिर पानी से भी सफाई करोगे ना तो। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।